बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग, चूंकि इस लेक्चर से पीछे जो पढ़ाई हुई उसमें वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर रिएक्शंस। अब उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक टर्म बताया था विच इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो आज उन्हीं सूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, देखो क्या होती है। बच्चों, तो बात कर रहे हैं हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन की, तो पहले समझे जरा होता क्या है ये, देन वी विल डू देयर क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विथ सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर आप लोग वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला लेक्चर अगर उसको ध्यान से किए हैं तो जरूर थोड़ा सा तो याद आता ही होगा कि जो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो दरअसल एक्चुअल ऑर्डर उनकी थोड़ी हायर होती है, बट हम मैनिपुलेट करके उनके ऑर्डर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ा सा ऑर्डर में मैनिपुलेशन करके हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा लिखें तो बढ़िया रहेगा कि दीज आर द रिएक्शंस या दीज रिएक्शंस, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है बच्चों, ये ऐसी रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस हैव या ऐसे बात बनेगी नहीं, ऐसे लिखते हैं कि दीज रिएक्शंस काइनेटिक्स इज स्टडीड विद रिड्यूस्ड ऑर्डर। चलो ऐसे लिख लेते हैं, विद विद रिड्यूस्ड ऑर्डर। ओके, अच्छा, अब रिड्यूस्ड ऑर्डर करके क्यों करते हैं, तो हम जानते ही हैं कि भाई इज स्टडीड होगा बच्चों, क्योंकि ऑर्डर जितना ही कम होगा कॉम्प्लेक्सिटी जो काइनेटिक्स में इन्वॉल्व होती है वो उतनी ही कम हो जाती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी काइनेटिक्स को इस तरह से स्टडी करें कि उनका जो एक्चुअल ऑर्डर है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कम कर दिया जाए। तो इस लाइन को भी हम ऐड करना चाहिए कि एक्चुअल ऑर्डर ऑफ दीज रिएक्शंस कैसा होता है बच्चों, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ दीज रिएक्शंस इज हायर बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी थोड़ा सा इजी करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑर्डर इज मैनिपुलेटेड टू रिड्यूस्ड वैल्यू, ऑर्डर को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है ताकि चीजें हमारे लिए इजी हो जाएं। बस यही सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। अब फिर मन में आएगा, सर ऐसे तो फिर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर के रिएक्शन होते तो कि हम सबको सूडो ऑर्डर बना दें, भाई कुछ पहचान होगी ना कि हाँ ठीक है भाई इसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसको सूडो ऑर्डर की तरह नहीं कर सकते, इसको कर सकते, तो वो कैसे पता चले। नहीं तो अगर हम हर रिएक्शन की ऑर्डर को मैनिपुलेट करने में सक्षम हो जाएं तब तो फिर बच्चों हायर ऑर्डर का मतलब ही ना रहे, सबको फर्स्ट ऑर्डर की तरह नाप दिया जाए। तो वो कैसे, क्या कब हम ऐसा कर सकते हैं, कब हम ऑर्डर को रिड्यूस करके भी काम चला सकते हैं, ये भी तो सीखना जरूरी है। कब ये सूडो ऑर्डर की बात आती है, कैसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम लोग ऑर्डर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसको देखें बच्चों कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए जरा, बहुत इजी, बस हमें दो ही केसेस करने, दोनों में ही अपना काम चल जाएगा। ओके, तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो मैनिपुलेशन है ऑर्डर का, मैनिपुलेशन होता है बच्चों ऑर्डर का is done
mainly in two cases, mainly, which we need to study in our curriculum, mainly in two cases. कौन कौन सी वो स्थितियां हैं जब हम ऐसा करते हैं मैनिपुलेशन? तो बच्चों जो सबसे पहला है, जो फर्स्ट है, दैट इज व्हेन देयर इज अ कैटलिस्ट, इट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन. तो सबसे पहला जो केस है वो ये है कि व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, कैटलिस्ट इज प्रेजेंट. और दूसरी बात ये भी है कि ये जो बच्चों कैटलिस्ट है इसका रेट लॉ में इन्वॉल्वमेंट हो. व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट एज वेल एज रेट लॉ ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट. ठीक, जब कैटलिस्ट का प्रेजेंस हो और उसके साथ साथ उस रिएक्शन के रेट लॉ में कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, तब हम बच्चों सूडो रेट लॉ या सूडो ऑर्डर रिएक्शन या रेट को हम लोग, सॉरी मैं रेट बोल रहा हूं, तब बच्चों हम लोग ऑर्डर को मैनिपुलेट कर पाते हैं. अब कैटलिस्ट प्रेजेंट है लेकिन रेट लॉ में उसका कोई योगदान नहीं, तब फिर ऐसे कैटलिस्ट से आप सूडो ऑर्डर रिएक्शन को नहीं बना सकते हैं, तब आप ऑर्डर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. तो रेट लॉ में कैटलिस्ट का जो प्रेजेंस है दैट इज मस्ट. क्यों है, क्यों रेट लॉ में इसका प्रेजेंस होना जरूरी है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे प्यारे बच्चों. अब हम करते हैं दूसरा केस. दूसरी स्थिति क्या होती है जब सूडो ऑर्डर की बात चलती है? चाहे तो इस बात को हम लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं कि रेट लॉ इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट. ओके फाइन. अब बात करते हैं व्हाट इज द सेकंड सर्कमस्टेंस. अब क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और से दो रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट जो है दूसरे की तुलना में बहुत कम है कंसंट्रेशन, मतलब दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस अगर है, एक बहुत छोटा है दूसरा बहुत ज्यादा है, देन ऑल्सो वी कैन मैनिपुलेट द ऑर्डर टू अ रिड्यूस्ड वैल्यू. सो दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट केस. सो वॉट इज दिस, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, जब दो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो साथ ही साथ क्या हो कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी हायर या वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर. दूसरे की तुलना में एक का इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, देन ऑल्सो वी कैन मैनिपुलेट द ऑर्डर टू अ रिड्यूस्ड वैल्यू. अब केवल इतनी बात समझने से तो कुछ बात बनती नहीं है, हमें एक्चुअल कुछ केमिकल रिएक्शंस में अपनी ये जो बातें हैं इनको अप्लाई करके देख के आना चाहिए, तभी हम सूडो ऑर्डर का ठीक ठीक मतलब समझ पाएंगे बच्चों. तो देखो मैं आपको सिखाता हूं, हम लोग जरा सीखें कि कैसे ऑर्डर का मैनिपुलेशन किया जाता है, कैसे इन दो केसेस में हम लोग ऑर्डर को रिड्यूस करके पढ़ पाते हैं. देखो बहुत इजी है बच्चों, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, गौर से समझे. तो चूंकि हमें दो परिस्थितियों में सूडो ऑर्डर की पढ़ाई करनी है, तो लेट से केस फर्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. देखो भाई, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से कैसे हम ऑर्डर को घटा पाते हैं, समझो.
जैसे एक मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ाई थी, दैट वाज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की अगर केमिकल इक्वेशन लिखी जाए, सो दिस इज CH3COCH2H5। और बच्चों ये ईस्टर हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्टर। और इस ईस्टर का हमको क्या कराना है, वी नीड टू गेट इट हाइड्रोलाइज्ड, और वो हाइड्रोलिसिस कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। H प्लस रिप्रेजेंट करता है एसिड को। तो ईस्टर का बच्चों जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो वी गेट एन एसिड विच इज CH3COOH प्लस अल्कोहल C2H5OH। बच्चों एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट गिव्स यू एसिड एंड दिस पार्ट गिव्स यू अल्कोहल। ठीक, चलिए, और मोर प्रोसाइसली हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। होता क्या है कि ये जो CH3COO है, मतलब इतना हिस्सा, ये हिस्सा हमें क्या दे देता है, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। होता क्या है, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं ईस्टर का, तो ईस्टर को इस तरह से प्लॉट करते हैं, दिस इज C2H5। ठीक, अब जब इसका बच्चों एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि H प्लस और OH माइनस है ना। तो क्या होता है कि इसके इस पोर्शन के साथ H चला जाता है और इस पोर्शन के साथ OH चला जाता है। तो ये कंप्लीट बन जाता है CH3COOH और ये पार्ट बन जाता है आपका अल्कोहल। सो व्हाट इज दिस, दिस इज, इसका नाम क्या है रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, प्यारे बच्चों। ठीक, चलो, अब हमें तो यह देखना है कि भाई यहां पर सूडो ऑर्डर जैसी कोई बात है क्या सर। ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई। हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हम लोग ईस्टर का ये सब बाद में भी पढ़ा जाएगा। फिलहाल देखो, नाउ इफ वी कंसीडर रेट लॉ फॉर दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो बच्चों इसका जो एक्चुअल रेट लॉ आता है वो इस तरह से रहता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज के विच इज रेट कॉन्स्टेंट इन टू एक्टिव मास ऑफ दिस ईस्टर विच इज CH3COOH5, दिस इज एन ईस्टर। और इसके साथ साथ बच्चों इसके रेट लॉ में इस एसिडिक कैटलिस्ट का भी यूज है। ये जो H प्लस है, ये जो आप H प्लस देख रहे हैं, ये वाला H प्लस है, दिस H प्लस, दिस इज कैटलिस्ट, और वही कैटलिस्ट बच्चों यहां पर बैठा हुआ है रेट लॉ में। अच्छा, ठीक है, अब इसका यूज तो है, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ भाई कि जितना ज्यादा एसिड लेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन जितना हाई रहेगा, उतनी ही हाई हमारी रिएक्शन भी रहेगी, उतना ही हमारा रेट रहेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन होगी। अच्छा, लेकिन एक बात और समझें ध्यान से बच्चों, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो तुम्हारा ईस्टर है, ये तो क्या होगा, ये तो धीमे धीमे डिकम्पोज होने लगेगा, ये घटने लगेगा, खर्च होने लगेगा। लेकिन ये जो अपना H प्लस है, ये तो खर्च नहीं होगा, कैटलिस्ट तो डायरेक्ट उसका कोई रोल डायरेक्ट नहीं होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है रिएक्टेंट्स के साथ। तो ये जो रेट लॉ है, ये एक्चुअल रेट लॉ है बच्चों, है ना, दिस इज एक्चुअल रेट लॉ। बट इन दिस एक्चुअल रेट लॉ, ये तो खैर कॉन्स्टेंट है, ये तो रेट कॉन्स्टेंट है, बट इस रेट कॉन्स्टेंट के साथ ये जो हम लोगों ने हाईलाइट किया है, ये जो कैटलिस्ट है, इसका कंसंट्रेशन भी प्यारे बच्चों कैसा है, इसका कंसंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट है। और ये तो कॉन्स्टेंट है ही, ये तो चूंकि रेट कॉन्स्टेंट है तो ये तो कॉन्स्टेंट आना ही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर यहां पर इसके ऑर्डर की बात करें तो नेचुरली ऑर्डर की जो रियल वैल्यू है दैट इज 2। सो ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस ईस्टर एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस एसिडिक कैटलिस्ट। तो फॉर दिस केमिकल रिएक्शन
इफ वी टॉक ऑफ द एक्चुअल ऑर्डर, प्यारे बच्चों, तो इस रिएक्शन का जो एक्चुअल ऑर्डर है दैट इज टू, वो तो टू है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए हम इसकी ऑर्डर को कैसे कम करते हैं। हम इसके ऑर्डर को कम नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो तो फिक्स है, उसको कोई कैसे कम ज्यादा कर सकता है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि अपनी सहूलियत के लिए इसके रेट लॉ को ही मैनिपुलेट करके किसी दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया जाए जो हमारी सुविधा के अनुकूल हो। कैसे बच्चों? आप अगर गौर से देखें तो इस रेट लॉ में ये जो दो कांस्टेंट हैं, हम इन दोनों कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट लिख देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह केवल एक कांस्टेंट लिख देते हैं और फिर देखते हैं, देखो क्या मजेदार रिजल्ट आता है। गौर करिए बच्चों, वो जो रेट लॉ भी पढ़ रहे थे उस रेट लॉ को देखो, थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर दे रहा हूं। कैसा करते हैं हम लोग कि ये जो ईस्टर था उसका जो एक्टिव मास था या जो मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो कुछ जो भी था वो तो ज्यों का त्यों है। फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया बच्चों कि अभी जो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस था उसको हमने के डैस लिख दिया। उसको क्या लिख दिया? उसको के डैस लिख दिया। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये जो नया रेट लॉ है ये है तो पुरानी जैसा, कोई फर्क तो है नहीं। बट इफ यू लुक एट दिस केयरफुली तो ये अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका ऑर्डर केवल वन हो। क्यों? क्योंकि अब भाई ये तो रेट कॉन्स्टेंट लग रहा है नया, ये तो नया रेट कॉन्स्टेंट लग रहा है। अच्छा, लेकिन फिर मन में आएगा कि सर एक रिएक्शन के दो रेट कॉन्स्टेंट कैसे हो सकते हैं? सर रेट कॉन्स्टेंट तो के ही रहेगा, के डैस कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो ये बच्चों ये जो रेट लॉ आप देख रहे हैं ये तो एक्चुअल रेट लॉ तो है नहीं, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ए सूडो रेट लॉ। ये जो फर्जी रेट लॉ है सही तो है नहीं, सही तो वो था तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये क्या है? ये है अपना मैनिपुलेटेड रेट लॉ, और यू कैन से दिस इज योर सूडो रेट लॉ। तो इसमें इस सूडो रेट लॉ से जो जो हमें जानकारी मिलने वाली है वो भी सूडो होनी चाहिए। जैसे एक बात, सबसे पहली बात हुई कि इसका जो रेट कांस्टेंट है सर ये रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये भी सूडो रेट कांस्टेंट हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज सूडो रेट कांस्टेंट। ओके, अब इसके ऑर्डर की बात करें तो ये रेट लॉ तो हमें ये बताता है कि भाई हमारा तो ऑर्डर कितना है, हमारा ऑर्डर तो वन है क्योंकि यहां पर तो हमें एक ही कंसंट्रेशन टर्म दिख रहा है। तो बच्चों अगर ऑर्डर की बात करें तो यहां पर ऑर्डर केवल और केवल वन है, तो ये कैसा ऑर्डर है? ये सूडो ऑर्डर है क्योंकि रेट लॉ ही सूडो है, तो दिस इज सूडो ऑर्डर। लेकिन एक बात और, रेट लॉ में जो आपकी RHS है उसमें आपने तब्दीली की है, उसमें चेंजेस किए हैं, और चेंजेस भी क्या किए हैं, आपने उसकी शक्ल बदल दी बस, उसकी आत्मा तो अभी भी वही है। अभी भी तो K-K into कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही है, उसमें कहाँ कोई चेंज हुआ है, देखने में थोड़ा अलग लगने लगा। तो क्या इस सूडो रेट लॉ से जो रेट का वैल्यू आएगा या जो रेट आने वाली है क्या वो रेट भी सूडो है? क्या यहां से जो रेट हमें मिलने वाली है क्या वो रेट भी गड़बड़ है? दिस इज योर सूडो रेट लॉ। प्यारे बच्चों गौर से समझो ये सब बातें। बच्चों यहां रेट का जो भी आंसर आएगा दैट इज परफेक्टली एक्यूरेट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने बस केवल इतना सा काम किया कि हमने इस रेट लॉ का जो ऑर्डर है उसको कम करने के लिए इसको दूसरे तरह से लिख दिया, बट कोई चीज घटाई बढ़ाई कहां अपनी तरफ से, जो जैसा है वैसे ही लिखा हुआ है। अभी H प्लस बदलता ही नहीं है, जब बदलता ही नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर वन पढ़ के क्या फायदा, वो तो कांस्टेंट ही है ना। उसको चाहे जहां भाई जहां पर आप K डैश का यूज करने वाले हैं वहां पर आप K into H+ रख दीजिएगा, ये तो फिक्स है, ये कहां बदलना है। और H प्लस को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका K डैश बढ़ता जाएगा, इनिशियल जो भी आपने कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन लिया हो
उसके अकॉर्डिंगली आपका के डैश फिक्स हो जाएगा। बट एक बार फिक्स हो गया फिर रिएक्शन में बदलेगा नहीं। क्यों बच्चों नहीं बदलेगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट तो वैसे भी नहीं बदलता है। रिएक्शन अगर एक सेम कंडीशंस पे चल रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, तो रेट कांस्टेंट तो ऐसे ही नहीं बदलना है। और ये जो आपका कंसंट्रेशन है एसिड का, वो भी नहीं बदलना है। तो ये सूडो रेट कांस्टेंट हो गया और ये सूडो ऑर्डर हो गई। अब जैसे कोई पूछे, ठीक है सर, आपने इसको सूडो ऑर्डर कर दिया, इसको फर्स्ट ऑर्डर का बना दिया, सर अच्छा बताइए इसका जो है से टी और के के बीच में रिलेशन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए। अब देखिए बच्चों समझिए, चूंकि हमने इस रिएक्शन का जो रेट लॉ था उस रेट लॉ को क्या कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर कर दिया है। ठीक, अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो जो रूल्स रेगुलेशंस फर्स्ट ऑर्डर में एप्लीकेबल हैं वो यहां सारे एप्लीकेबल हो गए। जैसे जैसे बात हो कि अच्छा ठीक है सर टी की वैल्यू लिखिए, तो टी क्या लिखते थे हम लोग याद करिए, तो हम लोग टी लिखते थे 2.303 बाई के। अब बस के ना लिख के डैश लिख देना है। फिर लिखते थे लॉग बेस में 10 ए नॉट बाई ए टी, जो वहां लिखते थे वही यहां लिखेंगे। बस ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान ये रखना है कि ये के डैश के नहीं है बच्चों, ये असल रेट कांस्टेंट नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये के डैश के और एच प्लस का मल्टीप्लिकेशन है, बस इतनी सी बात। अच्छा सर चलिए बताइए, ये तो बात आपने समझा दी, थोड़ा मैं जरा ये भी बता दीजिए कि सर टी हाफ कैसे लिखेंगे। सर टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो आपने इस तरह बताया था कि 0.6931 और डिवाइडेड बाई के, तो यहां पर के डैश लिख दोगे। फिर से ध्यान रखेंगे कि जो के डैश है दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, बस हो गया। तो एवरीथिंग वी कैन गेट यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों क्या होता है, उसका काइनेटिक्स जनरली हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पूरा न्यूक्लियर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड है। तो अगर उससे मिलती जुलती चीजें आ जाएं तो हमारे लिए समझना थोड़ा और इजी हो जाता है। सो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो और बात समझ में आएगी कि क्या फायदा है ऑर्डर को रिड्यूस करने का। चलो देखो जरा बच्चों, जैसे अभी आपने सूडो ऑर्डर में जो फर्स्ट केस अभी हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट केस है जब कैटलिस्ट का प्रेजेंस है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही एक और रिएक्शन बड़ी फेमस है, सो लेट से दिस इज सेकेंड एग्जांपल। अभी हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर किए थे, नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड सूडो ऑर्डर व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। सो व्हाट इज दिस, उस रिएक्शन को भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में, मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में जानकारी दी थी, सो दैट इज C12H22O11, दिस इज कॉल्ड सुक्रोस। ये क्या है बच्चों, सुक्रोस। इसका भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाए, इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस, बोथ हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में फर्क होता है C6H12O6 और बच्चों C6H12O6, सो दिस यू कैन कॉल एज ग्लूकोस एंड दिस यू कैन कॉल एज फ्रक्टोस। ओके, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये अपनी जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक इन्वर्जन ऑफ सुक्रोस, ऐसे बोला जाता है इसको, इसका निक नेम है एसिडिक इन्वर्जन ऑफ सुक्रोस, या कोई इसको ऐसे भी कह सकता है अगेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस। देखो कितना आसान है बच्चों, सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बात ठीक से समझ में आ जाए तो सारी बात ठीक से समझ में आ जाएगी। अब जैसे इसके रेट लॉ की अगर बात करी जाए, देखो जरा गौर से, सो लेट अस सी द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, रेट लॉ। तो इसका जो एक्चुअल रेट लॉ होता है वो कुछ यूं लिखा जाता है दैट आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू
कंसंट्रेशन ऑफ दिस सुक्रोज C12H22O11 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस H+ सो दिस इज व्हाट दिस इज एक्चुअल रेट लॉ दिस इज एक्चुअल रेट लॉ अब एकदम सेम प्रोसेस है बच्चों तो अगर गौर से देखें बच्चों तो यहां भी ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ देख रहे हैं दिस इज अगेन सिमिलरली कांस्टेंट जैसा कि पीछे था क्योंकि ये तो बच्चों कैटलिस्ट है नहीं तो बदलेगा ही नहीं तो अगर हम इस एक्चुअल रेट लॉ को पलट कर लिखना किस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहें तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्यों फिर से क्या करेंगे कि इस के और इस H- के मल्टीप्लीकेशन को K- लिख देना है तो फिर से हमारा रिड्यूस्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर से हमारा रिड्यूस्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा बच्चों लेकिन अभी अगर एक्चुअल ऑर्डर की बात करें अगर इसके एक्चुअल ऑर्डर की बात करें सो एक्चुअल ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इज 2 जैसे जैसे बच्चों ऑर्डर बढ़ता जाता है तो फिर उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो रिएक्शन को पढ़ने के लिए या तो जो उसका एक्चुअल ऑर्डर है उसको यूज करके ही पढ़ा जाए और कुछ ऐसी तिकड़म मिल जाए कि थोड़े कम से भी काम चल जाए तो भी बढ़िया है तो इसका एक्चुअल ऑर्डर 2 हो गया अब देखो इसका सूडो ऑर्डर लिखते हैं एकदम सेम है जैसे पीछे किए एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही है वो एक बार ईस्टर का है और एक बार सुक्रोज का है बस इतनी सी बात अब फिर से अगर इसके सोडा ऑर्डर को लिखना हो तो एकदम सेम देर इज एब्सोल्यूटली नो स्पेशल थिंग या सॉरी सोडो अगर रेट लॉ की बात करी जाए बच्चों तो सोडो रेट लॉ कैसे लिखेंगे देखो आर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर चेंज होता ही नहीं है चेंज बस के की जगह K- आ जाना है और सुक्रोज तो जैसा है वैसे ही रहना है C12H22O11 बस इस K- की वैल्यू जो है वो है K into concentration of H+ that's it अब अगर इसके सूडो ऑर्डर की बात करें तो इसका जो सूडो ऑर्डर होगा वी कैन कॉल इट 1 सिमिलरली अब अगर इसका सूडो रेट लॉ देखा जाए तो दैट सूडो रेट लॉ सॉरी रेट लॉ में बोल रहा हूं रेट लॉ तो लिखा ही हुआ है सूडो रेट कांस्टेंट देखा जाए तो वो जो रेट कांस्टेंट है बच्चों दैट इज K-. कहीं कहीं किसी किसी रिसोर्स में ऐसे भी लिखते हैं जैसे पूछेंगे कि इस रिएक्शन का एक्चुअल रेट कांस्टेंट क्या है तो आप कहेंगे K फिर कहेंगे इसका सूडो रेट कांस्टेंट बताइए तो आप कहेंगे K-. कहीं कहीं बच्चों सूडो वर्ड यूज ना करके ऐसे बोल देते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट बताइए विद रिस्पेक्ट टू H- विद रिस्पेक्ट टू H- तो ऐसे भी याद रखिए सो दिस इज व्हाट दिस इज रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बट ये तरीका जो है मैंने आपको बता तो दिया बट ज्यादा अप्रोप्रिएट तो हमको नहीं लगता आप सिंपल सूडो रेट कांस्टेंट ही याद रखिए K- है ना तो, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई पूछ दे तो आप बता दीजिएगा कि सर ठीक है वो K into H+ हो गया बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट तो ये तो बात रही सूडो ऑर्डर की किस तरह के रिएक्शंस में when there is a catalyst as well as it is involved in its rate law done अब इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं देखो बच्चों ओके बच्चों सो लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ यूं है कि अभी जो दूसरा एग्जांपल किए थे ना इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वही एसिडिक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है द क्वेश्चन इज दैट एसिडिक इन्वर्जन बच्चों सारी बातें मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा समझ में भी आते रहेगा और दिमाग जब हम लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में ना प्रिंटिंग होती है तो लिखना बहुत जरूरी है सो एसिडिक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स
प्रोसीड्स विद हाफ लाइफ 50 मिनट्स, विद हाफ लाइफ 50 मिनट्स। ठीक है भाई, एक तो ये बात दी है कि ये जो एसिडिक इन्वर्जन अभी हम लोग पढ़ रहे थे केन शुगर का, सुक्रोज को ये बच्चों केन शुगर कहते हैं, ये कुछ नया नहीं है, केन शुगर उसका निक नेम है, सुक्रोज थोड़ा साइंटिफिक नेम हो गया। तो उसकी हाफ लाइफ दे दी कि भाई 50 मिनट्स है, ओके फाइन। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि क्या आप कहें इसमें आगे, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया स्टेटमेंट। एसिडिक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विद हाफ लाइफ 50 मिनट्स, 50 मिनट्स इफ इफ एक सेकेंड रुकें बच्चों, जरा थोड़ा सोच लें क्या लिखना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलो ठीक, तो इफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, इफ पीएच ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन, से दिस इज इनिशियल सॉल्यूशन इज 5, ठीक, ये पूरा सेंटेंस है। अब इसके बाद क्या है, एक और इसी के से मिलता जुलता एक सेंटेंस और है क्वेश्चन में, दैट इज हाफ लाइफ चेंजेस टू ये अभी जो 50 मिनट्स की बात हो रही थी, ये बच्चों 500 मिनट्स हो जाता है, 500 मिनट्स इफ पीएच ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन इज से 6, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच प्लस। अब अगर बच्चों आपके लिए क्वेश्चन आ गया तो आपको तो कुछ करनी नहीं है, सीधे आंसर 1 लिख देना है। देखो क्या पूछा है, फाइनली आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ये तो पूछा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर H प्लस के रिस्पेक्ट में बताइए क्या होगा। तो आपको तो पता ही है कि एसिडिक इन्वर्जन होता है जब केन शुगर का, तो H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता है, बाकी कुछ भी तामझाम दिया जाए क्या फर्क पड़ता है। अगर केन शुगर का एसिडिक इन्वर्जन है देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस एसिडिक कैटलिस्ट, बाकी कुछ भी दे दें क्या फर्क पड़ता है। चलिए अच्छी बात है, तो आपके लिए तो इस क्वेश्चन की कोई अहमियत है नहीं, अभी तो हमने सीखा, लेकिन चलिए जरा देख लें कि अगर नहीं पता होता, नहीं जानते होते, नहीं पता होता कि एसिडिक इन्वर्जन केन शुगर का फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दिस एच प्लस, तो क्या हम सॉल्व कर पाते क्या हमने जो काइनेटिक्स की पढ़ाई करी है उससे क्या हम इसको सॉल्व कर पाते? जरूर कर पाते। देखो बच्चों, हम अब इस ऑर्डर को 1 प्रूफ करने जा रहे हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और जिसे नहीं पता है वो 1 सॉल्व करने जाएगा। ठीक है, आपको पता है तो आप 1 प्रूफ करके देख लीजिए। देखें, सबसे पहले तो अगर केवल इतनी सी बात दी है तो केमिकल इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस का भी बच्चों बड़ा रोल है। इस रिएक्शन में कहीं केमिकल इक्वेशन नहीं दी और आप जानते भी नहीं है तो बस जय श्री राधे है, फिर उसके आगे तो कुछ होगा नहीं। तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सो एसिडिक इन्वर्जन जो सुक्रोज का होता है, अभी तो लिखे थे थोड़ी देर पहले, C12H22O11 इट इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड
and the products that are being formed are C6H12O6 plus C6H12O6. This is glucose and fructose. Okay. अब अगर रेट की बात करें तो हमें यह बताना है कि इसका H प्लस के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर आता है. तो ये जैसे C12H22O11, इसको तो वन हमें पता ही है. वैसे तो हमें ये भी पता है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस ये मान के चलते हैं हमें नहीं पता है. तो यहाँ पर कुछ B लिख सकते हैं, या चलिए N लिख लेते हैं. ठीक, एंड वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड दिस N यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा, अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी समझना बड़ा जरूरी. बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं हर एग्जाम में, इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम फ्रॉम योर नोटबुक और नोट्स जो भी आप कह लें, और दीज लेक्चर्स ओनली. अब लेकिन उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत होती है. तो उसके लिए एक बात तो यह है कि आपको अपने नोटबुक अच्छे तरह से याद होनी चाहिए. जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट माइंड में होगा, देन ओनली अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कुछ, तो आप उसको ठीक से प्रोसेस कर पाएंगे. दिमागी खाली होगा तो फिर तो जानते ही क्या होता है. एनीवेज, तो हमें इस एन को चेक करके बताना है कि क्या होगा. जरा पढ़ें इसमें क्या लिखा है. लिखा है कि हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ, हाफ वर्ड तो मैंने देखिए गायब ही कर दिया. हाफ लाइफ है यहां पर, ठीक, लाइफ नहीं है, हाफ तो मैं भूल ही गया. ठीक है, तो हाफ लाइफ बच्चों 50 मिनट्स है इफ पीएच ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन इज 5. अब ये पीएच ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन इज 5, नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनिशियल सॉल्यूशन का मतलब है दैट वी वर हैविंग ओनली रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, जब कुछ बना ना हो. और उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सुक्रोज, और यू कैन से कैन शुगर, प्लस वाटर एंड प्लस दैट एसिड कैटलिस्ट. तो अगर उस सॉल्यूशन की बच्चों बात करी जाए, तो उस सॉल्यूशन का जो भी पीएच है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो आयनाइज होता नहीं है. वाटर देखेंगे तो वाटर तो वैसे भी न्यूट्रल रहता है. तो जो पीएच डिसाइड करने की जिम्मेदारी है उस इनिशियल सॉल्यूशन की, तो दैट जिम्मेदारी लाइज विद दिस एच प्लस. यानी जो भी आप पीएच देख रहे हैं, नेचुरली पीएच 7 से कमी है क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, वो पीएच किसके चलते हैं? वो पीएच बच्चों इस एसिडिक कैटलिस्ट के चलते हैं. अब ये सारी बातें भी बड़ी बारीक हैं, लेकिन ये समझ आनी चाहिए कि ये पीएच अच्छा इस एच प्लस के चलते 7 से कम हो गया. अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यही हाफ लाइफ 50 मिनट की जगह 500 मिनट हो गई अगर इनिशियल सॉल्यूशन का पीएच 6 हो गया. इनिशियल सॉल्यूशन का पीएच 6 हो गया, तो देखें दोनों अलग सिचुएशंस हैं. लेट अस सी. चलिए तो हम लोग देखिए सूडो रेट लॉ का यूज करने वाले हैं. तो इसको हम लिखते हैं के डैश और सी 12 एच 22 O11 टू द पावर 1. और यहां पर ये जो के डैश है, दिस के डैश इज K into this concentration of acid to the power of N. ठीक, अब जब T half, पहली सिचुएशन की बात करें, तो बच्चों पहली सिचुएशन में लिखा था कि जो हाफ लाइफ था दैट इज 50 मिनट्स. फाइन, एंड दिस हाफ लाइफ इज 50 मिनट्स व्हेन द पीएच इज गिवन एज 5. तो पीएच अगर 5 दे रखा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एसिडिक कैटलिस्ट एच प्लस है, दिस इज 10^-5 मोलर. अभी तो पीएच 5 आएगा, अच्छी बात. एक तो ये सिचुएशन हो गई. नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड सिचुएशन, सो दैट इज टी हाफ डैश लिख लेते हैं इसको. सो दिस टी हाफ डैश, इट इज गिवन एज 500 मिनट्स
10 गुना टी हाफ हो गया, लेकिन ये तब था कि जब इनिशियल जो सॉल्यूशन था उसका पीएच 6 हो गया था। पीएच 6 होने का मतलब ये हुआ कि जो एच प्लस का इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा दैट वुड हैव बीन 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर, तभी तो पीएच 6 आएगा। ठीक है, यही काम कर लेते हैं। डैश तो चूंकि के में ऊपर लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, डैश को नीचे लगाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके ओके बच्चों, तो ये ऐसे कर लेते हैं, इसको वन लिख लेते हैं, इसको भी वन कर देते हैं, इसको वन कर देते हैं, और इसको टू कर देते हैं बच्चों, इसको भी टू कर देते हैं और इसको भी टू कर देते हैं, है ना। दो अलग अलग कंडीशंस होगी। ओके, अब अगर हम बात करें किसकी, के डैश की, क्योंकि अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, तो के डैश को लिखा जाएगा 0.693 एंड डिवाइडेड बाय टी हाफ। अच्छा, और बच्चों ये जो के डैश है, दिस के डैश इज व्हाट, दिस के डैश इज के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस टू द पावर ऑफ एन, और इसकी वैल्यू लिख दी हमने 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। बढ़िया हो गया। अब आप इस रिलेशन को कैसे करें, एक बार पहली कंडीशन है तो उसका टी हाफ दिया हुआ है, देखो 50 मिनट्स, और उस टी हाफ के करस्पॉन्डिंग एच प्लस का कंसंट्रेशन भी दिया है 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। फिर दूसरी कंडीशन में भी बच्चों टी हाफ दे रखा है 500 और उसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन भी दिया है 10 टू द पावर माइनस 6। तो यूज दीज टू थिंग्स और हमारे पास आराम से एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो, करके देखते हैं। तो अगर पहली कंडीशन इसमें अप्लाई करी जाए तो देखो रिजल्ट क्या होने वाला है, के इंटू टी हाफ भी इसी तरफ लिख लेते हैं। तो बच्चों पहली कंडीशन में टी हाफ है 50 और ये जो एच प्लस का कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों, सो दिस इज गिवन एज 10 टू द पावर माइनस 5 और उसकी पावर एन, एंड दिस इज इक्वल टू 0.693। ओके फाइन। अब ऐसी अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो के तो बदलता नहीं, वो तो रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है। अब दूसरी टी हाफ इस साइड आ जाएगा, सो नाउ द टी हाफ इज 500 इंस्टेड ऑफ 50 और ये जो एच प्लस का बच्चों कंसंट्रेशन है अब वो लिखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6 टू द पावर एन, एंड दिस इज इक्वल टू 0.693। अब बस क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एलएचएस को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि आरएचएस भी बराबर है, या आप ऐसे कह लें दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे भी कहना चाहें वैसे कह सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आएगा व्हेन यू इक्वेट दीज टू एलएचएस, एक के सामने दूसरा लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 टू द पावर एन, एंड दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टू द पावर एन। ये रिजल्ट हुआ भाई, ये रिजल्ट हुआ। अच्छा, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर 10 की पावर बच्चों माइनस 5n हो गया और यहां पर 10 की पावर हो गया 1 माइनस 6n। वैसे आप लोग बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जानते हैं, बट फिर भी एक छोटी सी बात हम यहां बता देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को छोटी छोटी बातों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अगर बच्चों a टू द पावर b होल टू द पावर c लिखा हो, हमेशा याद रखेंगे पावर्स गेट मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, दिस बिकम्स a टू द पावर bc। और अगर कभी भी a टू द पावर b प्लस पावर में अगर प्लस है तो दिस मीन्स दैट इट इज a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c, है ना। चलो, तो वही हो गया 10 टू द पावर माइनस 5n और यहां तो पावर 1 है, तो माइनस 6n पावर और 1 यहां पर ऐड हो गई। अब चूंकि दोनों के बेस बच्चों सिमिलर हैं तो पावर्स भी सिमिलर होनी चाहिए, तभी तो इक्वलिटी आएगी। तो ये जो माइनस 5n है ये 1 माइनस 6n के इक्वल होना चाहिए, बस सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट n इज इक्वल टू 1, 1 ही तो आ रहा था। देखो, देखिए जरा बच्चों, तो
तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, सो दिस माइनस फाइव एन दिस इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स एन, और यू कैन से एन इज इक्वल टू वन। यही तो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पूछा गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट एसिडिक कैटलिस्ट एच प्लस, कितना था भाई? तो उसकी वैल्यू आ गई वन। वन ही हमारा बच्चों आंसर हो गया। दिस वी रिक्वायर्ड टू आंसर, डन हो गया। लेकिन हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो जानते ही थे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होगा या एसिडिक इन्वर्जन जब होगा सुक्रोज का, तो वो तो दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रहते ही है। अब बच्चों देखो, यही फर्क है इन्फॉर्मेशन होने का और ना होने का। इफ समवन हैज नॉट दिस इन्फॉर्मेशन, तो रगड़ता रहेगा वो, एक पेज भरेगा तब उसका आंसर आएगा। और अगर आप जानते हैं तो आप को दो सेकंड लगेगा टिक करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहां पर बच्चों कॉन्सेप्ट्स की तो हमेशा ही वैल्यू है, बट यहां इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम भी देना होगा ना हम लोग को। चलो अब भाई हमारा एक मामला निपटा। क्या मामला निपटा? वैसी केमिकल रिएक्शंस को हमने समझा इन विच कैटलिस्ट इज प्रेजेंट एज वेल एज इट इज इन्वॉल्व इन देयर रेट लॉ। अब हम एक दूसरे तरह के भी सोडो रेट लॉस पढ़ने रहते हैं, तो वो किसके लिए पढ़ने रहेंगे? जब एक रिएक्टेंट दूसरे की तुलना में काफी ज्यादा एक्सेस में हो, मींस व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन सफिशियंट एक्सेस इन कंपैरिजन टू अदर ठीक। एक रिएक्टेंट दूसरे की तुलना में बहुत ज्यादा एक्सेस में हो, तब भी हम लोग सूडो रेट लॉ का यूज करते हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा उतना इजी नहीं है। वो तो डायरेक्ट ही था कि K इंटू एच प्लस को K डैश कर दीजिए, मामला समाप्त। इसको जरा देखें। तो पहले तो भाई यहां पर दो रिएक्टेंट्स होने चाहिए, तो दो रिएक्टेंट्स लिख दिए। से दिस टू आर फॉर्मिंग सम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा लेकिन ओके ये तो हो गया। और एक बात और भी याद रखें बच्चों, यहां पर ये जो वन रिएक्टेंट दूसरे की अपेक्षा काफी ज्यादा एक्सेस में है, तो ऐसी रिएक्शंस की भी जो एक्चुअल ऑर्डर रहती है, दैट एक्चुअल ऑर्डर इज अगेन टू। जो एक्चुअल ऑर्डर है इन सारे रिएक्शंस का, दैट इज अगेन टू। इसको भी हम लोग अब रिड्यूस करके पढ़ने वाले, देखो कैसे। तो ये बात हो गई ए प्लस बी एंड दीज टू आर गिविंग सम प्रोडक्ट, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट से द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स आर से ए एंड बी, ठीक है। कैपिटल ए का स्मॉल ए लिख लिए, कैपिटल बी का स्मॉल लिख लिए, बी लिख लिए, और प्रोडक्ट में कुछ था ही नहीं। अच्छा फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, टाइम टी आया। तो टाइम टी आया तो कुछ यहां से भी निकला, उतना ही यहां से भी निकल गया, उतना ही यहां पर फॉर्मेशन हो गया। यहां पर चूंकि कोई हमने कोफिशियंट का यूज नहीं किया, तो दोनों से सेम ही डिकम्पोज करा दिए। अच्छा इस रिएक्शन में एक बात और गिवन है। क्या भाई गिवन है? गिवन यही है कि मान लेते हैं कि ये जो बी है, से दैट इज एज एन ह्यूज में। अच्छा यहां पर एक्स क्यों लिखा? ठीक अब देखो बच्चों, यहां पर एक्स नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि इसका कोफिशियंट क्या है, तो क्यों एक्स लिखा जाए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा गिवन ये है, इस रिएक्शन में यह बात हमें मालूम है कि ये जो B है, विच इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस B रिएक्टेंट इज इन ह्यूज एक्सेस टू दिस A,
मतलब ए जो है वो शुरुआत में बहुत ही कम है इस बी की तुलना में, ठीक। तो ये दो बार ग्रेटर देन का साइन लगाना जरूरी है, इसका मतलब ये होता है कि बी बहुत बड़ा है ए से। अगर केवल बी ग्रेटर देन ए करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बी बड़ा है ए से, लेकिन इसका मतलब बी बहुत बड़ा हो गया ए से। अच्छा ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ वन नंबर इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द अदर, तो दोनों का अगर समेशन किया जाए तो उसको केवल बी लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, ये मतलब बी निकाला जा सकता है। इसको बी भी लिखा जा सकता है क्योंकि बी तो इतना बड़ा है, जैसे 1 लाख प्लस 1 1 लाख एंड अनदर इज 1, सो दैट इज 1 लाख 1 और 1 लाख, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब जरा देखें, अब आपको याद होगा कि जो पीछे हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जब लेक्चर किए थे, तो इन दैट लेक्चर हम लोगों ने इस तरह का जो सेकेंड ऑर्डर था, मैंने आपको सिखाया था कि सेकेंड ऑर्डर में दो तरह की ऑर्डर पढ़ते हैं, एक बार क्या हो, एक बार ये हो कि इन दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, तो जो रेट लो आए वो आए क्या है, के इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एक बार ये भी बताया था कि जब इनका इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, देन द रेट लॉ इज के इंटू दिस ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक। सो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा ठीक है, अब अगर आपको याद नहीं तो पीछे लेक्चर पढ़िए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसमें सब दिया हुआ है। एनीवेज, फिर अगर आपको इतना याद है तो आपको यह भी याद होगा कि वहां पर हम टी और के में क्या रिलेशन लिखते थे। सो द रिलेशन वॉज टी इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/b माइनस ए, और उसके साथ साथ आता था बच्चों लॉग बेस में ई उसके साथ आता था बच्चों लॉग बेस में ई और ए इंटू बी माइनस एक्स, और नीचे लिखते थे बी इंटू ए माइनस एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द लेक्चर ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग, इसको हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो आपके नोट्स में हो गई ऑलरेडी। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड दिस इज द एक्चुअल रेट लॉ, सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर एक्चुअल स्टेटमेंट्स, देयर इज नो मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड। अब चूंकि हमें ये मालूम है कि दिस बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देखो इसका फायदा उठाते हैं, इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। देखो फायदा कैसे उठाते हैं, गौर से समझिए। एक बार उस रिलेशन को बच्चों में फिर से यहां लिख देता हूं ताकि हमको सामने दिखेगा तो इजी रहेगा। सो के, सो दिस वाज 1/k, द सेकेंड टर्म वाज 1/b माइनस ए, एंड द नेक्स्ट वाज से लॉग बेस ई ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी इंटू ए माइनस एक्स, डन। देखिए बच्चों, इस रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं। कैसे, जरा गौर करें, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। एज इट वॉज गिवन दैट बी इज वेरी वेरी हायर देन दिस ए, तो इससे बच्चों हम लोग दो बातें यहां पर कर सकते हैं, दो काम किए जा सकते हैं। पहला काम तो ये है कि इस बी माइनस ए को लगभग बी लिखा जा सकता है, क्योंकि बी बहुत बड़ा है, ए निकल भी गया तो क्या हुआ। और दूसरा काम ये भी कर सकते हैं बच्चों कि जो b माइनस एक्स है इसको भी b लिख सकते हैं, वाई, क्योंकि x तो a से भी छोटा है, x तो a से भी छोटा है। x क्या है, x तो वो हिस्सा है जो डिकम्पोज हो रहा है, तो a से भी छोटा है। और जब b a से इतना बड़ा है तो x से कितना बड़ा होगा सोच लीजिए, तो x भी निकल जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस रिलेशन में अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को अप्लाई करें तो जरा समझे क्या होने वाला है, दिस बिकम्स 1/k। अब यहां बच्चों जो 1/b माइनस ए लिखा है वो b ही रह गया,
अच्छी बात हो गई। और ये जो ऊपर देख रहे हो a इंटू बी माइनस एक्स, तो ये b ही रह गया। अच्छा, नीचे तो कोई मैनिपुलेशन हुआ नहीं, नीचे तो b था और a माइनस एक्स था, तो वो तो ज्यों का त्यों है। ठीक है भाई, अब गौर करिए, तो ये जो b है इस b से निकल गया, ये वाला b इस b से निकल लिया। अच्छा, और देखें क्या हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल वैंसिल होता नजर नहीं आ रहा है, जो होना था हो गया। अच्छा, एक बात और ऐसा करते हैं कि b तो चूंकि कांस्टेंट है बच्चों, तो b कांस्टेंट है, तो ये जो 1 बाई टी हम लोग लिख रहे हैं, इसको चलिए एक काम करते हैं कि 1 बाई के डैश लिख लेते हैं। के डैश क्या है, के डैश हो गया आपका k इंटू बी। अच्छा, और उसके साथ साथ log बेस में e a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। वॉट इज दिस k डैश प्यारे बच्चों, ये k डैश है अपना k इंटू बी। क्या है ये k डैश है तुम्हारा k इंटू बी। अब इसको देख के तो कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही है? हाँ सर, हो तो रही है। ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है, दैट 1 बाई टी इज 1 बाई के डैश लॉग बेस ही ए बाई ए माइनस एक्स और ए नॉट बाई ए टी जैसे के लिखते हैं। ध्यान रहे हम लोग याद कैसे रखते हैं, 2.303 जब बेस 10 हो तो एक ही बात है, लॉग में बेस में ई लिखेंगे तो यहाँ 2.303 नहीं लिखेंगे, और बेस में 10 कर देंगे तो 2.303 कर देंगे। लेकिन यहां पर ये जो k डैश है, क्या ये इस रिएक्शन का वास्तविक रेट कांस्टेंट है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं सर, रेट कांस्टेंट तो सर k है, ये k डैश तो k इंटू बी है। तो ये जो k डैश है प्यारे बच्चों, ये k डैश इसका सूडो रेट कांस्टेंट है। अच्छा, एक बात और, क्या अब ये जो नया रिलेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा है? हाँ सर, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा है। तो अब हम इसको यूज करके क्या आगे के सारे कार्यक्रम कर सकते हैं? हाँ सर, अब तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं ये कार्यक्रम? ये सर तभी कर सकते हैं, इस तरह का जो आपने किया है ये आप तभी कर पाइएगा जब आप ये दोनों बातों को यूज करें, दैट बी माइनस इज ऑलमोस्ट बी एंड दिस बी माइनस एक्स इज ऑल्सो बी। तो ये दोनों बातें कभी यूज करेंगे? तभी कर पाएंगे सर जब आपको ये पता हो कि ये b जो है वो a से बहुत 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 बड़ा है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों का कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो इनिशियली, तो वी कांट यूज दिस, वी कैन नॉट मैनिपुलेट इन दिस मैनर। तब बच्चों ये सेकेंड ऑर्डर की तरह ही मामला रहेगा। अब देखो कितना आसान हो गया, कितना तामझाम था, कितना झटके में, कितना ईजी हो। ये देखो सब जगह एक और गड़बड़ी हो गई, ये बच्चों सब जगह एक और गड़बड़ी हो गई। यहां तो t लिखना चाहिए था ना, हम लोग अपनी झोंक में ऐसे मस्त हो गए कि 1 बाई टी छाप दिए सब जगह। एनीवेज t कर देते हैं, चलो t कर देते हैं, t। सो दिस इज t, दिस इज ऑल्सो t एंड दिस इज ऑल्सो t। ठीक, तो ये जो है वो k डैश इक्वल टू k भी हो गया। अब जरा ये देखें कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है, कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में या कैपिटल बी के रिस्पेक्ट में? तो बच्चों यहां जो कंसंट्रेशन है, ये जो ए है उसको ए नॉट कहते हैं, ये तुम्हारा ए टी है ना। सो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर ए टी, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एंड दिस इज योर ए नॉट। तो ये किसका इनिशियल कंसंट्रेशन है? सर ये तो कैपिटल ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये किसका टाइम टी पर कंसंट्रेशन है? ये भी सर कैपिटल ए का टाइम टी पर कंसंट्रेशन है। तो ये बच्चों फर्स्ट ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है? कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में। या यूं कहें कि जो बहुत छोटा था, देखो ए ही तो बहुत छोटा था, तो जो बहुत छोटा था वो बच गया, जो बड़े लोग थे निकल लिए। जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होता है उसका यहां से मामला निपट जाता है, या उसको हम लोग देखते नहीं हैं, या यूं कह लें कि उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको फाइनली बस के डैश में यूज करेंगे।
बाद बाकी दिस काइनेटिक्स इज टू बी स्टडीड या इज टू बी एनालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए विच इज हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन, प्यारे बच्चों, और जिसका कंसंट्रेशन बड़ा है उसका केवल बाद में के डैश की वैल्यू सही से लिखने में यूज है, बाकी उसका काइनेटिक्स में अब कोई रोल नहीं रहा। लेकिन ये तब होगा जब जो बड़ा वाला है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो। अगर कंपेरेबल हो तब फिर आप b माइनस ए को b लिख ही नहीं पाएंगे, तब फिर आप b माइनस एक्स को x, तब फिर आप b माइनस एक्स को भी b नहीं लिख पाएंगे, तब फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा, तब फिर सूडो रेट लॉ इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक, तो इसको जरा, इसमें दो तीन जो मेन बात आई हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, नाउ इट्स सूडो ऑर्डर इज हाउ मच, तो अब बच्चों इसका जो सूडो ऑर्डर हो गया दिस इज वन, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि अब इसका जो ऑर्डर वन लिख रहे हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू वन, बट दिस ऑर्डर वन इज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए। कैपिटल ए कौन है? जिसका कंसंट्रेशन लोअर है, लोअर कंसंट्रेशन या लोअर इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके रिस्पेक्ट में अब हम इसका ऑर्डर वन करने वाले हैं और फिर आगे इसको स्टडी करने वाले हैं। तीसरी बात, इस रिएक्शन का जो सूडो रेट कांस्टेंट है, जो सूडो रेट कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, वो कितना है? तो सर इसका सूडो रेट कांस्टेंट के डैश है, और वो के डैश क्या है? एक्चुअल रेट कांस्टेंट इनटू बी, एक्चुअल रेट कांस्टेंट इनटू बी। सर इस रिएक्शन की एक्चुअल ऑर्डर क्या है? अरे अभी तो बताए थे सर, इस रिएक्शन की तो एक्चुअल ऑर्डर है बेटा दो। ठीक है, बस हो गई सारी जानकारी, कंप्लीट हो गया। तो नाउ इन दिस केस ये कब होगा? जब दो रिएक्टेंट हो एक दूसरे से काफी ज्यादा हो, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब चलो जरा इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, दो लेट्स ट्राई। ओके, सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं लिखा हमने कि से ए प्लस थ्री बी एंड दीज टू गिव्स अस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे दिया इन्होंने। ठीक है, फिर ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ये सब बातें बच्चों गिवन है। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, अच्छी बात है। फिर कहा है कि इफ बी इज इन ह्यूज एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू ए, फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए इसका क्या होगा? देखो जरा करते हैं। अब यहां पर बच्चों मन में क्या दुविधा आ सकती है? मन में यह दुविधा आ सकती है कि अभी तो सर आपने बताया तो एक झटके में कर ही देंगे, आपने तो सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि जो एक्सेस में होता है उसको निपटा देना है, जो एक्सेस में होता है उसको हटा देना है। तो हमारा अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी जो आपने सिखाया सर उससे तो यही आना चाहिए दैट आर इज इक्वल टू के डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। और यहां पर ये जो के डैश है वो के डैश क्या है? वो है भाई के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी हम लोग लिख लेते हैं इसे बी स्मॉल बी। तो ये दिस इज द रेट लॉ, लेकिन उसमें ये सर जो के डैश आप देख रहे हैं ये उसका वास्तविक रेट कांस्टेंट है नहीं, उसका वास्तविक रेट कांस्टेंट है अपना ये के, ये के जो है अपना एक्चुअल रेट कांस्टेंट है।
और जो k डैश है दैट इज द सूडो रेट कांस्टेंट, दैट इज द सूडो रेट कांस्टेंट। लेकिन सब यहां पर एक बात और मन में परेशान करेगी, परेशान करेगा तुम्हें तीन, अगर तुम ठीक से सोचो तो, नहीं सोचना है तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ठीक से विचार किया जाए तो हो सकता है दिस थ्री में बॉदर यू अप टू सम एक्सटेंट। सर तीन में क्या, ये क्यों हमको परेशान करने लगा भाई? अच्छा अगर ये तीन लिखा हुआ है तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब इस रेट लॉ या इस सब में कुछ फर्क पड़ जाएगा तीन के होने से या नहीं पड़ेगा? तो जरा करके देखें। पहले तो यहां पर ये बात तो सब समझ में आ ही रही है, ये जो बी है बच्चों, दिस बी इज व्हाट, दिस बी इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके व्हाट इज द के, ये के जो है वो एक्चुअल रेट कांस्टेंट है, वो एक्चुअल रेट कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है भाई, ये के डैश क्या है? सर ये जो के डैश है दिस इज सूडो रेट कांस्टेंट। व्हाट इज दिस के डैश? दिस के डैश इज सूडो रेट कांस्टेंट। फाइन। अच्छा सर इस तीन का आप बता रहे थे कुछ, तीन से क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं हो सकता फर्क पड़े ना पड़े, मुझे लगा कि भाई शायद तीन कुछ गड़बड़ कर दे। अच्छा देखें गड़बड़ कर पाता है कि नहीं, इस तीन में इतनी ताकत है कि नहीं कि कुछ गड़बड़ कर पाता है या नहीं, जरा समझो। अच्छा देखो प्यारे बच्चों समझो जरा, हम लोग अगर k की वैल्यू लिखें बच्चों, ये जो तीन है ये क्या कर सकता है, कितनी इसकी हिम्मत है जरा देखें देखें जरा। और ऐसा भी हो सकता था कि ए के साथ भी तीन आ जाता या पांच आ जाता, दोनों बातों को ठीक से समझने की जरूरत है। तो पहले चलो बी के साथ ही तीन रख के देखते हैं क्या होता है। तो भाई हमने लिखा ए प्लस थ्री बी और कुछ प्रोडक्ट बन गया, कुछ प्रोडक्ट बन गया। अच्छा सीधे टाइम टी की बात करते हैं, तो टाइम टी पर हम लोग लिखेंगे कि भाई ये ए था तो ए में से एक्स निकला और बी में से थ्री एक्स निकालेंगे, प्रोडक्ट में जो बनेगा सो बनेगा। ओके देखो गौर से, आप जो टी का एक्सप्रेशन लिखते थे दैट वाज वन बाई के वन बाई बी माइनस ए लॉग, और बेस में क्या था ई। अच्छा फिर क्या लिखते थे, बी ए इंटू बी माइनस एक्स, तो अब थ्री एक्स हो जाएगा। अच्छा और नीचे क्या लिखते थे बच्चों, बी बाई ए माइनस एक्स, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब अभी भी क्या है कि जो बी है वो तो बहुत बड़ा है ए से, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है बी बहुत बड़ा है ए से, तो फिर से हम इस बी माइनस ए को तो बी ही कर देंगे, और बच्चों ये जो बी माइनस थ्री एक्स है उसको भी बी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो काम पहले कर पा रहे थे वही काम अभी भी कर पा रहे हैं, तो फिर से वी आर गोइंग टू हैव द सेम रिलेशन, वी आर गोइंग टू हैव द सेम रिलेशन, एब्सोल्यूटली नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। ये b हो जाएगा तो नीचे वाले b से निपट जाएगा और a माइनस एक्स आ जाएगा, तो जो अभी हम लोग करके आए हैं वो एकदम सही है, मामला सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब करेक्ट है। अच्छा सर एक काम करिए कि ए में जरा चेंज कर दीजिए क्या होता है, जरा देखें सर ए में तो जरा चेंज कर दीजिए क्या होता है, जरा ए में भी बच्चों चेंज करके देखते हैं। अब बच्चों अगर मान लीजिए ए में भी कुछ कोफिशियंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट से दिस इज से 5a, फाइन, और चलो बी में तीन को ही रहने देते हैं और हमने बनाया कुछ प्रोडक्ट। ओके अच्छा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए दिया है, इसका बी दिया है, प्रोडक्ट है नहीं, और बी जो है वो बहुत ज्यादा है ए से, दिस इज अगेन गिवन टू अस, सो दिस इज द पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए टाइम को कर देते हैं टी,
तो इस ए में से 5x निकलेगा और इस बी में से 3x निकलेगा। प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा क्या कोफिशियंट है, उस तरह से बनाएंगे। तो अभी जो हम लोग अगेन दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो फिर से क्या लिखेंगे, बी माइनस ए 1/k, अच्छा फिर लॉग बेस ई। गौर करें a इंटू बी माइनस एक्स की जगह b माइनस 3x लिखा जाएगा और b इंटू ए माइनस एक्स की जगह b इंटू ए माइनस 5x लिखा जाएगा। बच्चों इसका भी रेट लॉ बस इतना ही है, क्या रेट लॉ है इसका, रेट लॉ है दैट r इज इक्वल टू a माइनस 5x और b माइनस 3x। मुझे तो लग रहा है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो। चलो अच्छा इंटीग्रेट करके एक बार देख लेते हैं, एक बार इंटीग्रेट करके भी देख लेते हैं कि ये जो अभी लिखा या जो पीछे लिखा है क्या ये एक्चुअल अप्रोप्रिएट है रेट लॉ। तो आगे के लिए भी बात हो जाएगी कि कभी भी अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और उस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह के कोफिशियंट्स हैं तो क्या ये रिजल्ट में कितने चेंजेस आते हैं, लेट अस सी देम, लेट अस सी देम। तो एक काम करते हैं कि ये तो मैंने अभी लिख दिया है बट देयर मे बी आई मे हैव सम, मुझे थोड़ा सा इसमें मन ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो जरा इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या परिणाम आता है। तो अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आर वॉज डी एक्स बाई डी टी और ये आया भाई a माइनस 5x और यहां से आया b माइनस 3x, फाइन। अब बच्चों dx के साथ नीचे हो जाएगा a माइनस 5x और यहां पर हो जाएगा b माइनस 3x और सामने हो जाएगा dt। तो हमने सीखा था कि इसे हम कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके फ्रैक्शन में ही बदलने में थोड़ा हो सकता ऊंच नीच हो जाए, लेट अस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों से अगर इसको a माइनस 5x लिख दिया जाए और इसको 1/b माइनस 3x लिख दिया जाए। हाँ देखो गड़बड़ी हो रही है ना, बहुत गड़बड़ी हो गई है सांभा, बहुत गड़बड़ी हो गई है। इसलिए गड़बड़ी हो गई क्योंकि यहां तो x कैंसिल ही नहीं हो रहा है, यहां पर x कैंसिल नहीं हो रहा है। जैसे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स करते थे तो b माइनस एक्स यहां हो गया, a माइनस एक्स यहां हो गया, तो x x निपट गया, b माइनस a बाहर आ गया, तो उसको डिवाइड करके लिख देते थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां मसला बदल गया है भाई। यह शायद नहीं बदला है कि बदल गया है, नहीं बदला है। देखो 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 थोड़ा सा जो है इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे, क्या करते हैं कि यहां से 5 बाहर लिख लेते हैं और यहां से 3 बाहर कर लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, 1/15 आ गया हमारा बाहर। बट ये करना जरूरी है अदरवाइज मन में बना रहेगा। तो 5 बाहर निकला तो ये a बाई 3 हो गया, अच्छा, और ये x हो गया। और 3 बाहर निकला तो ये हो गया बच्चों, यहां से 3 बाहर निकला, सो दिस बिकम्स b बाई 3 और x और सामने हो गया आपका dt, सामने हो गया dt, फाइन। सॉरी यहां के तो लिखना भूल ही गए, तो के है और यहां भी के है, के, चलो ठीक। तो अब अगर इंटीग्रेट करें बच्चों तो जरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखो कितना फर्क आएगा। जैसे हमारा जो क्लासिकल जो हम लोग करते हैं, जनरल जो करते हैं, तो हम लोग इस तरह से उसको लिखते हैं कि भाई अपना dx रहता है और नीचे a माइनस एक्स रहता है और b माइनस एक्स रहता है
और सामने रहता है बच्चों KDT, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है, एक तरफ T आ जाता है, एक तरफ बच्चों ओके 1/K और फिर 1/B माइनस ए हो जाता है, और बच्चों यहाँ पर था लॉग बेस में ई, फिर ए इंटू बी माइनस एक्स और बी इंटू ए माइनस एक्स नीचे यूं आता है। सो दिस इज द जनरल और यू कैन से बेसिक क्लासिक जो रिजल्ट्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं। अब इसमें उसमें देखो थोड़ा फर्क है, क्या फर्क है देखो करके देख लेते हैं। तो फर्क ये है कि यहां पर जो a है वो a by 3 है और ये जो b है वो b by गड़बड़ हो गया ना a by 5 होगा सॉरी ये जो a है दिस इज a by 5 हो गया भाई। ये हमारा जो है जनरल एक्सप्रेशन है जो हम लोग करते आए अभी तक, नीचे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स होता है, लेकिन अब a की जगह a by 5 हो गया और b की जगह b by 3 हो गया। और एक क्या चेंज हो गया, और एक चेंज ये हो गया कि ये जो 15 है वो t के साथ चला जाएगा सामने। तो अब हम जो है इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां पर इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ये सामने है तो इसका भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहला काम t की जगह 15t लिखने वाले हैं क्योंकि ये dt के साथ रहेगा 15, तो 15t लिख दिए ओके। अब 1/K लिख दिए ओके। अब बच्चों b माइनस ए ना लिख के हम लोग लिखने वाले हैं b बाई 3 माइनस ए बाई 5, मतलब b और a जो है जहां जहां b लिखना है उसकी जगह b बाई 3 लिखेंगे और जहां जहां a लिखना है उसकी जगह a बाई 5 लिखा जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा ऊपर भी वही काम करना होगा, जगह तो है नहीं तो मैं वो लॉग वाला टर्म नीचे लिख रहा हूं, यहां मल्टीप्लीकेशन में है वो नीचे लिख रहे हैं e। गौर करो a बाई 5 बी बाई 3 माइनस एक्स, हमने क्या दिमाग लगाया, हम लोगों ने क्या किया थोड़ा मामला इजी हो जाए तो x के साथ जो इधर उधर मसला फंस रहा था उसको निपटा दिए, x दोनों में एकदम सेफ हो गया, 1-1 कोफिशियंट हो गया, कांस्टेंट रहे बस, तो एनालॉजी हो गई जैसा ही है वैसा ही है। तो बस पहले a भी हुआ करते थे, अब a बाई 5 और b बाई 3 है। अच्छा जरा देखें तो b बाई 3 हो गया और भाई a बाई 5 माइनस एक्स हो गया, हाँ ठीक हो तो गया सर। तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों b माइनस 3x, नीचे हो जाएगा a माइनस 5x और यहां के 15 और यहां के 15 निपट जाएंगे। और यहां देखो लेकिन चेंज हो, यहां तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये एलसीएम आ जाएगा बच्चों 15 और नीचे भी 15, तो 15 कैंसिल, ऊपर हो गया a इंटू बी माइनस 3x, नीचे हो जाएगा b इंटू ए माइनस 5x। लेकिन बच्चों यहां चेंज हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है, तभी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी कोफिशियंट की। देखो हो गई गड़बड़, जरा करके देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। यहां चेंज हो जाएगा बच्चों, यहां 5b माइनस 3a हो जाएगा, या यूं कहें कि यहां पर अगर हम b बाई 3 और a बाई 5 भी लिखा रहने दें तो भी हमारी समझदारी इसी में रहेगी, हम इसी तरह याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर ये 15 तो लटका रहेगा, ये 15 लटका रहेगा, 15 तो रहेगा यहां पर, 15 को हटाना चाहें तो फिर हमें 5b और 3a करना होगा, 5b और 3a करना होगा ओके बच्चों। तो अपना जो 15t आया वो क्या हुआ, वो हुआ 1/K ओके बच्चों। तो 1/K ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे था क्या था जरा देख लेते हैं, b बाई 3 और a बाई 5 ओके। तो ये हो गया बच्चों 5b और 3a, ऐसा ही होगा ना, b बाई 3 और a बाई 5, हाँ ठीक है ओके। अच्छा और इसके साथ log क्या हो गया, बेस में e, और ये तो इजी हो गया, b माइनस
कितना होगा b-3x, b-3x और नीचे हो जाएगा बच्चों b a-5x। ओह सच अ नाइस थॉट्स, बच गए हम लोग देखो गलती करते करते। तो बच्चों यहां पर जो t निकल कर आ रहा है वो t वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, उस t में बदलाव है। That t is now changed and now this is a into b minus 3x or b into a minus 5x। अंदर तो जो सोच रहे थे वैसे ही आया, कोई फर्क नहीं हुआ। फर्क कहां पड़ गया? फर्क पड़ गया बच्चों, फर्क बहुत फर्क पड़ गया, ये फर्क पड़ गया, ये कांस्टेंट एकदम बदल गया, ये कांस्टेंट बच्चों एकदम बदल गया। तो हम क्या करें कि हमने जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखी थी पिछले लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग लिख रहे थे कि भाई शुरुआती कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तो उसको अगर हम एक जनरलाइज्ड उसका रिजल्ट ये लिखना चाहें तो देखो जनरलाइज रिजल्ट कैसे लिख देते हैं फटाफट, आपको याद रखना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्फा ए लिखते हैं ठीक है, और बीटा बी लिखते हैं और इससे बनाते हैं प्रोडक्ट, इससे बनाते हैं प्रोडक्ट। और ये दिया हुआ है कि दैट दिस इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों के रिस्पेक्ट में वन वन ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर है। तो इस अगर ऐसी रिएक्शन दी जाए, अच्छा ये भी दिया है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इनके जो कंसंट्रेशन है ए और बी इनिशियल दे आर नॉट सेम, तभी इस सब का झंझट का मतलब है। सो दे आर नॉट सेम, इफ दे आर नॉट सेम देन वॉट इज टी, तो टी क्या लिखेंगे? देखो जरा याद रखने की जरूरत है, ऐसे सवाल जेई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। तो टी बच्चों हम लिखेंगे 1/k। अब ध्यान दीजिए ये बी का जो कोफिशियंट है वो 5 है और ए का कोफिशियंट है 3। ध्यान दीजिए कैपिटल ए के साथ 5 था और कैपिटल बी के साथ 3 था, मतलब ये जो है वो अल्फा बी है और बीटा ए है, पलट गए कोफिशियंट। रिएक्शन में जो कोफिशियंट कैपिटल ए के साथ और कैपिटल बी के साथ थे, नाउ दे आर इंटरचेंज्ड, सो अल्फा बी माइनस बीटा ए और उसके साथ लॉग बेस में ई। अच्छा यहां पर कुछ नहीं बदला, बी माइनस हो जाएगा बीटा एक्स और बी और यहां हो जाएगा ए माइनस अल्फा एक्स, यहां कुछ नहीं बदला, यहां जो एक्सपेक्टेड था वही रहा, नीचे बदल गया बच्चों। लेकिन तो आई वॉज थिंकिंग के चूंकि इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट में इंटीग्रेशन में कोफिशियंट का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो देयर मस्ट बी समथिंग जो शायद ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि हम लोग जो है एक बार करके देख लें और करके देखें तो देखो गलती पर थोड़ा इतना ही लिखा रहने देते हैं ताकि मुझे सामने दिखता रहेगा बच्चों। और इसमें क्या करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि बी बहुत बड़ा हो जाए ए से, तब जरा देखें किस तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। तो 1/k ओके, और अगर बी बहुत बड़ा हो गया ए से तो ये जो देख रहे हो अल्फा बी माइनस बीटा ए, इसको हम लोग अल्फा बी ही लिख सकते हैं। ये जो अल्फा बी माइनस बीटा ए है दिस इज ऑलमोस्ट अल्फा बी, और दूसरा ये जो बी माइनस बीटा एक्स है, क्योंकि एक्स तो और भी छोटा है तो दिस इज ऑल्सो बी। ठीक, तो यहां से बच्चों क्या परिणाम हो जाएगा, यहां से परिणाम हो जाएगा 1/α(b) और लॉग बेस में ई ए इंटू बी बाई बी,
और नीचे हो जाएगा बच्चों a माइनस अल्फा x। तो ये तो निपट गए b से b, तो b से b निपट लिए, b से b निपट लिए, तो t को लिख सकते हैं 1 बाई k, k के साथ अल्फा b आना है, और log बेस में e और a डिवाइडेड बाई a माइनस अल्फा x, और यू कैन से a t। तो भाई ओवरऑल उस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क नहीं पड़ा? यहां भी ये कह सकते हैं कि एक बार थोड़ा फिर से लिख देते हैं, वन बाई इसको के डैश लिख देते हैं बच्चों, और लॉग बेस में ई कर देते हैं, और ए बाई ए टी। ठीक है, तो अभी भी ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, उस लिहाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क क्या पड़ गया बच्चों? फर्क इस के डैश का पड़ गया। के डैश जो के इंटू बी लिखा करते थे वो के इंटू बी नहीं, अब के इंटू अल्फा बी है, के इंटू अल्फा बी है। तो स्टिल दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। फर्स्ट थिंग, ए कौन है? जिसका कंसंट्रेशन कम है। अच्छा, दूसरी बात, नाउ दिस के डैश इज वॉट? दिस के डैश इज के इंटू अल्फा इंटू बी। अच्छा, अल्फा क्या है? अल्फा है बच्चों कोफिशियंट ऑफ ए। तो इससे पहले जो काम कर रहे थे, इसमें तो हमने क्या किया था, 5a प्लस 3b लिया था, लेकिन इससे पहले जो रिएक्शन ली थी उसमें लिखा था केवल a प्लस 3b, यानी उसके लिए अल्फा था 1। तो वहां जो है गलती से भी सही हो गया मामला। हम लोग तो इतनी बात सोचे ही नहीं थे कि ये अल्फा भी आ जाएगा बच्चों, या बीटा भी आ जाएगा, इस तरह से जो भी कर रहे थे जनरल उस तरह से आने लगेगा। लेकिन वो धोखे से सही हो गया। क्यों धोखे से सही हो गया? धोखे से इसलिए सही हो गया कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं के डैश के, वो के इंटू अल्फा इंटू बी आ रहा है, और अल्फा उस केस में था 1, लेकिन गलत भी हो सकता था। तो हमेशा मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, दिस इज द थिंग जो हम भी अभी फर्स्ट टाइम आप ही के साथ कर रहे हैं बच्चों, तो इट हैपेंस समटाइम्स कि पढ़ते पढ़ते हमें कुछ कुछ नई बातें समझ आ जाती। तो अगर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो बच्चों और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी के डिफरेंट हैं, और कैपिटल ए और कैपिटल बी के कुछ अलग अलग कोफिशियंट्स भी हों, तो वो रिजल्ट जो हम लोग पढ़ते थे वो काम नहीं करेगा। उस रिजल्ट में केवल नीचे बच्चों बी माइनस ए आता था, लेकिन यहां जो जनरल रिजल्ट आने वाला है उसमें नीचे b माइनस ए की जगह अल्फा b माइनस बीटा a आएगा। और यह भी ध्यान रखेंगे कि अल्फा a का कोफिशियंट है और बीटा b का कोफिशियंट है। और ये तो समझ में आता ही है कि b माइनस x की जगह b माइनस बीटा x, a माइनस x की जगह a माइनस अल्फा x। तो ये तो बात रही सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में, जब कोफिशियंट हो जाए कैपिटल a और कैपिटल b के अलग अलग, तब क्या होता है। सो दैट्स इट। अब और इससे अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस पार्ट इन विच वी टॉक्ड अबाउट सूडो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज कंप्लीटली फिनिश। थैंक यू बच्चों, डन।